टेक्नो पोवा 3 वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो एंड इन्फिनिक्स नोट 11 एस बीजीएमआई बैटरी ब्रेन टेस्ट, यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बैटरी ब्रेन टेस्ट 100 to 0%। तो गाइस मेरे हाथ में है ये इन्फिनिक्स की तरफ से और टेक्नो की तरफ से लॉन्च हुए चारों ही स्मार्टफोन्स, जिसमें से पहले नंबर पे है ये टेक्नो पोवा 3, दूसरा है ये इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो, तीसरा है ये इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो और लास्ट है ये इन्फिनिक्स का नोट 11 एस। आज मैं इन चारों ही स्मार्टफोन्स में गाइस एक बैटरी ड्रेन टेस्ट का टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जिसमें मैं चारों स्मार्टफोन्स में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि बीजीएमआई का एक बैटरी ड्रेन टेस्ट का टॉपिक कवर करूंगा 100 to 0%। और यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि अगर आप इन चारों ही स्मार्टफोन्स में एक साथ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम को प्ले करते हैं तो ऐसे में चारों ही स्मार्टफोन 100 to 0% बैटरी को ड्रेन करने में कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं और कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले बैटरी को ड्रेन करता है 100 to 0%। तो ये चारों ही स्मार्टफोन्स गाइस एक तरीके से बजट सेगमेंट में आने वाले गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं, जिसमें से गाइस यहाँ पर जो ये टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 है इसमें आता है 7000 mAh की बैटरी, ये जो है इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्रो इसमें आता है 5000 mAh की बैटरी, इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में आता है 5000 mAh की बैटरी और इन्फिनिक्स के नोट 11 एस में आता है 5000 mAh की बैटरी। यानी कि ये जो तीनों स्मार्टफोन्स है इन्फिनिक्स के, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो, इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो और नोट 11 एस, इन तीनों स्मार्टफोन्स में आते हैं 5000 mAh की बैटरी और इस टेक्नो पोवा 3 में आता है 7000 mAh की बैटरी। अब उसके बाद बात करते हैं रैम की, तो यहाँ पर है टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 जिसमें आता है यहाँ पर जो रैम आता है 6 GB का रैम, 128 GB स्टोरेज का वेरिएंट, यह है इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्रो जिसमें है 6 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज, इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो है जिसमें आता है 8 GB का रैम और 128 GB स्टोरेज, यह है इन्फिनिक्स का नोट 11 एस जिसमें आता है 8 GB का रैम और 128 GB स्टोरेज का वेरियंट। तो चारों स्मार्टफोन्स का बजट सेगमेंट में आने वाले गेमिंग स्मार्टफोन्स है। तो अब डायरेक्टली इन चारों स्मार्टफोन्स को लेकर मैंने कई सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, जिसे आप वीडियो सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं वन बाय वन। लास्ट टाइम मैंने कई सारे और भी टॉपिक्स कि साउंड टेस्टिंग, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज और अदर टाइप के बैटरी डेंटेस्ट के टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं चारों स्मार्टफोन्स को लेकर, सारे आप जाके वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज बारी है बैटल ग्राउंड टू मोबाइल इंडिया का बैटरी डेंटेस्ट करने की इन चारों ही स्मार्टफोन्स में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ऐसे गाइस एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट वीडियोस वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरा गाइस, उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में है, वहाँ पर जाकर आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक उसका वीडियो के डाउन साइड में है। थैंक यू। तो अभी कैसे जो चारों ही स्मार्टफोन्स है, चारों स्मार्टफोन्स की जो बैटरीज है वो अभी पूरी की पूरी 100% चार्ज है, तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चारों स्मार्टफोन्स को मैंने पूरा का पूरा 100% यहाँ पर चार्ज किया है। तो चारों स्मार्टफोन्स में जो गेम को मैं प्ले करने वाला हूँ, वो मैं पूरा का पूरा 100% बैटरी से इन चारों स्मार्टफोन्स में गेम को प्ले करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 जिसका पूरा का पूरा 100% चार्ज है, और देन उसके बाद है ये इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्रो जिसका भी बैटरी पूरा 100% चार्ज है, 98% है ये भी स्मार्टफोन, एंड देन उसके बाद है ये इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो जिसकी भी बैटरी पूरी की पूरी 100% चार्ज है, ओनली 99 है, 1% रेस्ट है, देन उसके बाद है ये इन्फिनिक्स का नोट 11 एस जिसकी बैटरी पूरी की पूरी 100% चार्ज है। तो चारों स्मार्टफोन्स में जो गेम में प्ले करने वाला हो बीजीएमआई, जिसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चारों ही स्मार्टफोन्स में डाउनलोड करके रखा है, डायरेक्टली यहाँ पर जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम है उसे प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं आप लोगों को ग्राफिक भी बताऊंगा कि कौन से ग्राफिक सेटिंग्स पर मैं गेम को प्ले करने वाला हूँ, बिकॉज कुछ स्मार्टफोन्स में जो ग्राफिक का जो सेटिंग है कुछ सपोर्ट करता है तो किसी स्मार्टफोन में ग्राफिक का सेटिंग वो सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए चेकआउट करते हैं। तो डायरेक्टली गाइस यहाँ पर मैं चारों स्मार्टफोन्स को प्रॉपर अलाइन तरीके से रख लेता हूँ, तो यहाँ पे सेट करते हैं। तो यहाँ पर आप सबको सबसे पहले मैं चारों स्मार्टफोन्स का जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो मैं आपको बता दूँ, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेट करता हूँ टेक्नो पोवा 3 का। तो टेक्नो पोवा 3 की यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग, ये मेरे यहाँ पे टेक्नो पोवा 3 है, तो टेक्नो पोवा 3 का जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर अभी मैं इसके ग्राफिक सेटिंग्स में हूँ और यहाँ पर जो ग्राफिक सपोर्ट कर रहा है फिलहाल HDR सपोर्ट नहीं कर रहा है, अल्ट्रा HD भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, USD भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो ग्राफिक रखने वाला हूँ वो होगा HD ग्राफिक, फ्रेम रेट होगा हाई। तो इसी ग्राफिक सेटिंग्स पर मैं टेक्नो पोवा 3 में गेम को प्ले करने वाला हूँ, सेम टू सेम यही ग्राफिक। तो यहाँ पे गेम को स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद बारी है यहाँ पर जो इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो है, इसमें भी मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ग्राफिक रखने वाला हूँ जो मैंने टेक्नो पोवा 3 में रखा। तो इसके भी ग्राफिक सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पर भी ग्राफिक में हो, तो यहाँ पर भी जो ग्राफिक होगा HD होगा और फ्रेम रेट होगा हाई। तो कोई अल्ट्रा HD नहीं है, ओनली नॉर्मल सा HD ग्राफिक पे मैं गेम को प्ले करने वाला हूँ। इस पर भी गेम को प्ले करना स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद बारी है यहाँ पर ये इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्रो, और इसमें भी जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो भी मैं सेम टू सेम रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे होगा HD ग्राफिक और फ्रेम रेट होगा हाई, बिकॉज इसमें भी HDR अल्ट्रा HD सपोर्ट नहीं कर रहा है। और उसके बाद है ये इन्फिनिक्स का नोट 11 एस, जिसमें भी गाइस जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेम रखने वाला हूँ। तो ये स्मार्टफोन में जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो भी सेम टू सेम है पूरा का पूरा, यानी कि HD ग्राफिक और हाई फ्रेम रेट पे, दैट्स इज ऑल अबाउट। और सो गाइस एक्टिविटी जो है उसे ट्रैक करने के लिए साथ में आप टाइमर, सो गाइस जो एक्टिविटी है एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में यहाँ पे टाइमर भी सेट करूंगा, जिससे कि आप एक्टिविटी को ईजिली तरीके से ट्रैक कर पाओ।
सो नाउ गाइस अभी टोटली 4 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और लास्ट 4 घंटे से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इन चारों ही स्मार्टफोन्स में, यानी कि टेक्नो पुआ 3 में, देन इसके बाद ये इन्फिनिक्स के हॉट 12 प्रो में, एंड देन इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में, और इस इन्फिनिक्स के नोट 11 एस में, इन चारों स्मार्टफोन्स में कंटिन्यूसली बेसिस पे जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI गेम आप ऑलरेडी प्ले है। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था पूरा का पूरा मैंने 100% से स्टार्ट किया था, और अभी यहाँ पर टोटली 4 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे चेकआउट करते हैं चारों ही स्मार्टफोन्स का करंट बैटरी स्टेटस, और चारों स्मार्टफोन्स कितना परसेंट बैटरी को इन्होंने ड्रेन किया है। सो डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन चारों स्मार्टफोन को एक साथ सेट करके। तो सेकंड है इन्फिनिक्स नोट 12 हॉट 12 प्रो, देन उसके बाद नोट 12 टर्बो, एंड देन उसके बाद है यहाँ पर हमारा फाइनली स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 11 एस। सो अभी यहाँ पे चारों स्मार्टफोन्स के बैटरीज को ऑन करते हैं। तो ये है टेक्नो पोवा 3 का, देन उसके बाद ये है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो का, देन उसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा स्मार्टफोन है नोट 12 टर्बो, एंड देन फाइनली यहाँ पर हमारा एक और स्मार्टफोन है जो कि है इन्फिनिक्स का नोट 11 एस। तो टेक्नो पोवा 3 का है 63% करंट बैटरी स्टेटस, उसके बाद इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो का है 50% करंट बैटरी स्टेटस, एंड देन उसके बाद यहाँ पर थर्ड है इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो जो कि है 45% करंट बैटरी स्टेटस, एंड देन यहाँ पर है हमारा थर्ड वाला स्मार्टफोन नोट 11 एस जिसका 47%। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो तीनों स्मार्टफोन्स है ऑलमोस्ट इनमें कुछ मेजर टाइप का डिफरेंस नहीं है, कुछ 3 से 4% का यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन जो टेक्नो पोवा 3 है इसमें मेजर डिफरेंस है जो कि 63 है, बिकॉज इसमें 7000 mAh की बैटरी आती है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो ग्राफिक है वो कोई फुल HD या मैक्स ग्राफिक नहीं है, एक नॉर्मल सा HD ग्राफिक है, अल्ट्रा से भी कम, सिर्फ एक नॉर्मल बैलेंस्ड HD ग्राफिक है, उसके बेसिस पे चारों स्मार्टफोन का करंट बैटरी स्टेटस है। लेकिन फ्री फायर का भी मैंने चारों स्मार्टफोन को लेकर बैटरी स्टेटस का टॉपिक कवर किया, वीडियो सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पर मैं इससे स्टॉप नहीं करूँ, बिकॉज अभी भी यहाँ पर मैं चारों स्मार्टफोन्स में जो गेम है उसे कंटिन्यू रखने वाला हूँ, और यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि चारों स्मार्टफोन्स पूरा का पूरा 0% ड्रेन होने के लिए और ये कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। तो फिर से यहाँ पर मैं चारों स्मार्टफोन्स में जो बैटरी डेटस है उसे कंटिन्यू रखूंगा, एंड फिर से हमारा जो टाइमर है उसे मैं यहाँ पर कंटिन्यू रखूंगा। तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि अभी चारों स्मार्टफोन का जो पूरा परसेंट 0% ड्रेन होने के लिए और ये कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। तो ये है टेक्नो पोवा 3, ये है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो, ये है नोट 12 टर्बो, ये है नोट 11 एस। तो फिर से यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और चेक करते हैं 0% ड्रेन होने के लिए चारों स्मार्टफोन्स और कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली टोटली 7 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और टोटली पिछले 7 घंटे से कंटिन्यू नॉन स्टॉप इन चारों ही स्मार्टफोन्स में, यानी कि टेक्नो के टेक्नो पोवा 3 में, देन इसके बाद इन्फिनिक्स के हॉट 12 प्रो में, उसके बाद इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो एंड इन्फिनिक्स के नोट 11 एस, इन चारों ही स्मार्टफोन्स में कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप बेसिस पे जो गेम है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का यानी कि BGMI का गेम वो कंटिन्यूसली बेसिस पे प्ले है। पूरा मैंने स्टार्टिंग किया था 100% से, और अभी यहाँ पे टोटली 7 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे चेकआउट करते गए ये जो स्मार्टफोन है इनकी जो करंट बैटरी स्टेटस क्या है, और यहाँ पर अभी कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले पूरा का पूरा ट्रेन हो चुका है। वैसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चारों ही स्मार्टफोन्स, यानी कि जो चारों में से एक स्मार्टफोन है जिसकी बैटरी थोड़ी ज्यादा बेटर है, बट फिर भी एक बार चेकआउट करते हैं यहाँ पर चारों स्मार्टफोन्स का जो करंट बैटरी स्टेटस है। तो पहला है टेक्नो पोवा 3, सेकंड है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो, देन थर्ड है ये इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो, एंड फाइनली है यहाँ पर हमारा इन्फिनिक्स का नोट 11 एस। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो तीनों स्मार्टफोन्स हैं इन तीनों स्मार्टफोन्स की बैटरीज अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ड्रेन होने आ चुकी है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो फाइनली हमारा एक स्मार्टफोन है जो कि टेक्नो पोवा 3, इसकी बैटरी अभी भी 32% यहाँ पे बाकी है। इसके पीछे रीज़न ये है बिकॉज ये जो टेक्नो पोवा 3 है गाइस इसमें आता है 7000 mAh की बैटरी, यानी कि 7000 mAh की बैटरी आती है, इन तीनों स्मार्टफोन के कंपेयर में ज़्यादा बैटरी आती है, इसलिए इसमें 32% यहाँ पे बाकी है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप तीनों स्मार्टफोन्स को देखो, जैसे कि ये हमारा जो इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो है जो कि 8 GB रैम नोट 12 टर्बो, और जो इन्फिनिक्स का नोट 11 एस, ये दोनों स्मार्टफोन्स की जो बैटरी है अभी ऑलमोस्ट ड्रेन होने आ चुकी है 7 घंटे में, ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। और ये जो फाइनली हमारा स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्रो,
इस स्मार्टफोन की बैटरी अभी 15% यहाँ पर बाकी है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें नॉर्मली केसेस में, तो ये जो इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो और जो इन्फिनिक्स का नोट 11S है, इन दोनों स्मार्टफोन्स ने 7 घंटे का यहाँ पर बैटरी बैकअप दिया है BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बैटरी इंडेक्स में। और ये जो इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्रो है, इसमें अभी भी 15% बाकी है, बट ये ज़्यादा कुछ नहीं, आधा घंटा देगा यानी कि 30 मिनट्स का एडिशनली बैटरी बैकअप देगा, उससे ज़्यादा देने वाला नहीं है, बट ये भी 7.5 घंटे में पूरा ड्रेन हो जाएगा। इसको भी स्टॉप करता हूँ मैं। और उसके बाद ये जो हमारा फाइनली स्मार्टफोन है यानी कि टेक्नो का टेक्नो पोवा 3, इसकी बैटरी अभी भी 32% यहाँ पर बाकी है, लेकिन मैं यही पर ही बैटरी इंडेक्स को स्टॉप करने वाला हूँ, बिकॉज ये जो स्मार्टफोन है अगर मैं इसमें गेम को कंटिन्यू रखूँ तो ये नियरली और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 1 घंटा चलेगा, यानी कि 8 घंटे ये चलेगा, 8 घंटे से ज़्यादा ये चलने वाला नहीं है, तो बस इसको मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो ओवरली अगर यहाँ पे नॉर्मली देखें तो यहाँ पर चारों स्मार्टफोन्स का करंट बैटरी स्टेटस मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर जो टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 है, इसने 8 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है फ्री यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बैटरी डेटस में। इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो ने टोटली यहाँ पर 7.5 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है, इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो ने 7 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है, और इन्फिनिक्स नोट 11S ने 7 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है। दैट्स ऑल अबाउट, ये था इन चारों स्मार्टफोन यानी कि टेक्नो पोवा 3, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो, इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो और इन्फिनिक्स नोट 11S का कंपैरिजन बेसिस पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का बैटरी डेटस 100-0%। सो गाइस टॉपिक एंड करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसपे मैं कंप्लीटली डिफरेंट वीडियोस वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल मेरा गाइस, उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है, वहाँ पे जाकर अपने सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक उसका वीडियो के डाउन साइड में है। थैंक यू।